हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये जो ब्लॉग है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, अपना ससुराल से, जो हम लोग का यहाँ पे फार्म है ना, वहाँ से। तो अभी भी मैं आई हूँ। और जैसे कि हम लोग का मतलब जो जीतिया का त्यौहार है ना, वो मतलब वो आज मंडे है, तो आज से ही स्टार्ट है। मतलब आज नहाई खाई वाला है। तो अभी करीब दोपहर का 1 बज रहा है अभी। मतलब अभी वो नहीं हुआ है, नहाए खाए का टाइम नहीं हुआ है। तो अभी सुबह से मैं अभी भूखी हूँ। और फिर अभी मतलब 3 बजे नहाए खाए अभी हम लोग का होगा। और जो हम लोग का ये फास्ट हो जाएगा ना, वो 3 मतलब मंडे, आज तो इतना हो गया, आधा आधा टाइम, मतलब एक टाइम ही खाना खा सकते हैं आज शाम को। तो मंडे हो गया, कल ट्यूसडे, कल फास्ट रहेगा, फिर वेडनेसडे को भी फास्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग का इधर ना बंगाल तरफ अलग नियम होता है। और कैलेंडर के हिसाब से तो वेडनेसडे को लिखा हुआ है, मतलब जितिया का त्यौहार वेडनेसडे को फास्टिंग है। तो फिर हम लोग के इधर ना 3 दिन हो रहा है। तो अभी मैं आई हूँ, अकेले आई हूँ। क्यों आई हूँ अकेले? क्योंकि तीनों बच्चों का ना एग्ज़ाम थे, पेपर्स थे तीनों का। तो फिर तीनों बच्चे स्कूल गए थे और मैं आ गई अकेले। और फिर अभी मतलब 2 दिन वहीं पे रहेंगे। तो आज रात को शायद मम्मी आएंगी वापस रहने के लिए। तो फिर सुबह मतलब पारन के दिन ना एक ही बार जो है फिर बच्चे सब आएंगे, वहाँ से ऑटो वगैरह कर दूँगी तो डायरेक्ट आ जाएंगे घर। और क्या है ना, जैसे कि आज भी मुझे अभी यहाँ पे अकेले रहना है, कल अकेले रहना है, परसों अकेले रहना है, फिर थर्सडे को पारण करके फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो ये है। और अभी ससुर जी है, सासू माँ भी तालाब गई है नहाने के लिए, अभी मैं भी जा रही हूँ नहाने। और फिर अभी ससुर जी ना मतलब ये लोग ना यहीं पे रहते हैं, यहीं पे फार्म के, यहीं पे खाना वगैरह बनता है। और उधर वाला घर में ना उधर नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ मुर्गियाँ है, ये छोटे छोटे, और बत्तख है, कुछ बकरियाँ भी है, तो इसी वजह से ना यहीं पे रहते हैं। और मतलब उधर वो गली में उन लोग का मन भी नहीं लगता है, तो फिर यहाँ पे रहते हैं खुले में, तो उनको अच्छा लगता है। फार्म वगैरह तो ऐसे ही पड़ा हुआ, यहीं पे रहते हैं, मतलब फार्म के अंदर ही बकरी सब और बत्तख सब और ये मुर्गियाँ सब रहती हैं। और अभी ना अभी मैं लेके जा रही हूँ, ये चालो सियारी होता है ना हम लोग का, तो चालो सियारी के लिए झींगी का पत्ता, झींगा होता है उसका पत्ता, अभी मैं तोड़ लेती हूँ। और हम लोग का वहाँ पे है ना तुलसी जी, तो वहीं पे जो है अभी पूजा करना है। तो उसके लिए ना अभी जैसे कि अभी मैं नहा के आई थी घर से, नहा धो के एक ही बार आई हूँ मैं, बच्चों के लिए खाना वगैरह बना के ही आई थी। और फिर अभी फिर से अभी तालाब में नहाना है, चालो सियारी करना है। और धूप ना बहुत ज़्यादा है, और पता है मुझे ना प्यास भी लग गया है। तो अभी कोई नहीं, थोड़ी देर बाद अभी सारा मतलब जो वो होता है ना चना वगैरह, चना चना मूंग, वो पूरा मतलब जो आकुर आकुर होता है उस चीज़ का, वो सारा ना मैं लेके आई थी। तो फिर वो सारा अभी वो तुलसी जी के पास चढ़ाना है, सब कुछ वहाँ पे थोड़ा सा पूजा वगैरह वो सब होता है। तो फिर वहाँ पे करके फिर पानी वगैरह जो है पी सकते हैं। तो बस अभी 3 बजे, 2:30 बजे से शायद स्टार्ट होगा। तो ये है। और अभी मैं अकेले हूँ फार्म के, यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे कुछ सब्जी वगैरह भी लगा हुआ है, कुछ सब्जी नहीं है ज़्यादा कुछ, मतलब थोड़ा बहुत जो है सासू माँ लगाती है। सासू माँ का पैर में ना पता नहीं कैसे चोट लग गया है उनके, वहाँ पे मतलब चोट, वो खाना बना रही थी ना तो उनके पैर में ना पूरा दाल गिर गया है, तो वही दवाई वगैरह लिए हैं। और फिर उनको चलने में भी दिक्कत होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मेरे ही साथ की होता है। मतलब सब कुछ देखना मुझे है और सब कुछ करना मुझे है। नहीं, सासू माँ भी और ससुर जी भी बहुत मेहनत करते हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ, आप लोग समझ सकते हो। अभी तो चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, अभी उस उधर जाऊँगी उधर वाला घर में, और फिर वहाँ पे पूजा वगैरह होगा, उसके बाद मैं मिलती हूँ। तो अभी ना मैं जा रही हूँ घर, वाला घर। और ये देखिए, ये जो है
यहाँ पे ये सब है, ये मतलब तेल, पत्ता, दातून और चना जो है उस घर में वहाँ पे, तो ये सब अभी लेके जा रही हूँ। और ये है तालाब, तो इसमें भी यहाँ पे नहा के फिर बाथरूम में जाके नहाऊंगी, क्योंकि ये तालाब का पानी ना थोड़ा सा जो है गंदा है। देखिए उधर साफ है उस साइड, और धूप बहुत ज़्यादा है। और ये भी एक तालाब है, यहाँ पे देखिए, पर इसका भी पानी गंदा हो गया बहुत। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं थोड़ी देर बाद में मिल रही हूँ, और अभी हम लोग का पूजा वगैरह हो गया है, नहाए खाए, मतलब वहाँ पे जो वो आकुर वगैरह होता है ना, वो आकुर थापना और तुलसी जी के पास वहाँ पे पूजा वगैरह जो देवी देवता है सारे पूजा वगैरह करके, और अभी मैं फ्री हुई हूँ। और सासू माँ भी आई थी, तो सासू माँ अभी चली गई फार्म में, और मैं अभी थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, और मैंने थोड़ा सा इस घर को ठीक किया है, तो अपने तरीके से सासू माँ जो है किए थे, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह किए थे, तो फिर मैंने और भी थोड़ा सा ठीक की। और अभी थोड़ा सा अभी मेकअप वगैरह मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पर फार्म के पास खाना बनाने के लिए, तो खाना बनाऊँगी। और फिर क्या होगा ना, जैसे कि वो सब तो वहीं पे रहते हैं, तो खाना वगैरह वहीं पे बनेगा, फिर यहाँ पे कौन लाएगा, मतलब 2-3 दिन के लिए सारा सामान यहाँ पे लाओ फिर, और तो इसी वजह से ना वहीं पे खाना बनाएंगे। और बस मुझे तो आज भर खाना है, शाम का खाना खाली खाना है, और फिर एक ही बार जिस दिन पारण होगा ना उस दिन खाना खाना है, तो ये है। और अभी मैं जाती हूँ और चाय वगैरह अभी थोड़ा सा पीऊँगी, और दही चीरा, पहले दही और चीरा जो है वो खाऊंगी। जैसे यहाँ पे अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए चावल मैंने बिठाया और चाय बिठाया, और ये वाला जो रूम है ना, ये पूरा मतलब गीला है, पूरा रूम गीला है, क्योंकि सुबह जो है सासू माँ गोबर से निपाई की थी, तो फिर गीला हो गया पूरा घर ये। और अभी मैंने चावल बिठाया, अभी चाय बना रही, पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद जो है चीरा नहीं खाई हूँ, अभी चीरा सासू माँ को भी दूंगी और मैं भी खाऊंगी, क्योंकि और सुबह भी खाना नहीं बनाया, सुबह ससुर जी जो अभी बकरी वगैरह लेके आए हैं, तो वही मूढ़ी वगैरह खाए थे, और अभी दोपहर का 2 बज गया है, और मेरे पसीने अभी आप देख सकते हो, और बाहर ना बारिश आ रहा है, धूप और बारिश। चलिए मैं दिखाती हूँ बाहर अभी, तो ये देखिए बारिश भी टपक रहा है, धूप भी निकला है, मेरे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। तो फार्म के अंदर एक पंखा है, तो वो अभी उसी में अभी मैं जाती हूँ चाय बना लेती हूँ, और उसी के अंदर जाती हूँ अभी चाय पीऊँगी वहीं पे। और मौसी जी भी आई है, तो उनके लिए भी मैं चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे अभी ये देखिए मेरी चाय जो है बन गई है, ये गिलास वाला मेरा है, और ये सब ना कटोरी में पीते हैं। तो जो रूम है ना, ये थोड़ा ज़्यादा भीगा रहता है, क्योंकि बगल में खेत है, और ये भी पहले खेत ही था, तो ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, तो ये थोड़ा और मट्टी इसमें भराता ना, तो ये फिर ऊंचा हो जाता। तो चलिए अभी मैं चाय लेके दे देती हूँ। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, ये एक बकरी का बच्चा ना ये रह गया है, छोटा वाला बच्चा, और सारे बकरी उधर चले गए हैं, तभी माँ माँ चिल्ला रहा है। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो खाने में वही दाल चावल सब्जी और भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, भिंडी की सब्जी। और गर्मी बहुत ज़्यादा, अभी बारिश आया फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी, वो चिल्ला ही रहा है वो बच्चा, तो अभी मैं इसको ना उधर छोड़ के आती हूँ। चल 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 चल, ये फिर से आ गया, चलो चल चल चल। तो ये ना चल नहीं पाते सही से, पूरा पैर में पट्टी जो है वो लगा है। अभी मैं सब्जी बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि भूख काफी ज्यादा लग गया है, और अभी ना 4 बज गया है। तो फ्रेंड्स अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, और मेरा खाना वगैरह बन गया है, सबको मैंने खाना भी खिला दिया है, ससुर जी को भी, सासू माँ को भी, और मैंने भी खा लिया है, बहुत तेज भूख लगा था। और शाम को और अभी ना कुछ नहीं खाना है, मतलब शाम रात को
अगर भूख लगेगा तो थोड़ा बहुत जो है दही और चूरा जो है खा लूँगी। और अभी शाम हो गया है ना यहाँ पे, तो ये देखिए सारे बकरियाँ मुर्गी जो है ये सारे आ गए हैं, अपने आप आ जाते हैं। मतलब शाम जैसे होता है ऐसा, ये बत्तख सभी अपने आ जाते हैं, मुर्गियाँ भी अपने आ जाते हैं। और अभी और कुछ बकरी है तो वो भी लेने गए हैं अभी, तो वो भी अभी लेके आ रहे हैं। और अभी इन लोग का खाना भी देना है, तो खाना जो बत्तख का, बत्तख को वो खाना दिया जाता है जो भूसी होता है ना वो वाला। और अभी मैं खाना और अभी नहीं बनाऊंगी, खाना बन गया है तो, और मतलब कोई खाएंगे भी नहीं। और वहाँ पे बच्चे मनीषा भी खाना बना लेगी तो यही है। और चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं और अच्छे नए ब्लॉग के साथ। और पता नहीं यहाँ पे ना नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, तो आज मेरा वीडियो अपलोड मतलब मैं अपलोड में लगाऊंगी तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं। और मतलब बहुत मैं पहले भी यहाँ पे वीडियो अपलोड की हूँ तो बहुत स्लो चलता है नेट, बहुत स्लो। तो चलिए मिलते हैं और अच्छे नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू, बाय बाय। तो अभी मैं गर्मी गर्मी कर रही थी ना, और ये देखिए बारिश, बहुत तेज़ बारिश आने लग गई, बहुत तेज़ अचानक। और ये देखिए फार्म का जो थोड़ा सा वो प्लास्टिक है ना थोड़ा बहुत, वो भी मतलब हवा में उड़ ही जाता है, और हवा बहुत तेज़ चलता है, बहुत तेज़। बहुत तेज़ बारिश आने लग गया, मैं भी जाती हूँ उधर, लाइट भी गया।